नमस्कार, मैं पायल कनौजिया, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारी बारिश से राज्य में 77 सड़कें और 236 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात बादल झमाझम बरसे। भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन से शुक्रवार सुबह 10 बजे तक राज्य में 77 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। सबसे अधिक सड़कें मंडी जिले में बंद है। वहीं राज्य में 236 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त 19 जल आपूर्ति योजनाएं भी ठप चल रही है। उधर मनाली लेह सड़क पर जिंगजिंग बार से तकरीबन 7 किलोमीटर आगे गुरुवार देर रात करीब 12 बजे पहाड़ी से ग्लेशियर के लगातार पिघलने से सड़क अचानक बाढ़ से बंद हो गई। इसमें लेह से मनाली की तरफ आ रहे दो ट्रकों और एक बाइक मलबे में फंस गए। सीमा सड़क संगठन के जवानों ने बाइकर्स को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, तो वहीं सीमा सड़क संगठन की मिशन रात में भी काम में जुटी रही। सीमा सड़क संगठन 70 के ओसी मेजर रविशंकर ने बताया कि सुबह 10 बजे सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया है।